हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रवीण कुमार बागड़े और आज मैं आपको कंप्यूटर सर्वर यानी कि इंटरनेट सर्वर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट सर्वर के बारे में। इंटरनेट सर्वर, तो दोस्तों इंटरनेट सर्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और जो आईटी और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो डीसीए पीजीडीसीए करते हैं, उन लोगों को कई बार समझ नहीं आता है कि सर्वर क्या होता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखें ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि सर्वर क्या होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सर्वर के बारे में। तो दोस्तों, सर्वर जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक काफी पुराना वर्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की डेफिनेशन जो होती है दोस्तों, वो ये होती है, इंटरनेट यानी कि दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब होता है आपस और नेट का मतलब होता है जाल। जब विश्व के करोड़ों कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में हार्डवेयर यानी कि फिजिकली कनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क का निर्माण होता है, जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और इंटरनेट की शुरुआत 1950 से हुई थी। कब से हुई थी? 1950 से हुई थी। और इंटरनेट के पिता जो है, द फादर ऑफ इंटरनेट जो है, वो विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है, तो मासयोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत में सबसे पहले अमेरिका की मिलिट्री ने एक छोटा सा संगठन क्रिएट किया था जिसका नाम था अर्पानेट। उसका नाम क्या था? अर्पानेट। अर्पानेट जो था दोस्तों, ये विश्व का पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था। कौन सा था? सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था। तो इस सर्किट स्विचिंग नेटवर्क की शुरुआत के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। और इसी तारतम्य में इंटरनेट जो है भारत में 15 अगस्त 1995 को आया दोस्तों। और इसकी शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम था बीएसएनएल। क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। इंटरनेट का पिता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट का जो सम्राट था वो मासयोशी सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मासयोशी सन को। और पहला सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का नाम था अर्पानेट। अर्पानेट का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था दोस्तों। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी दिया है कि इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो हमारा जो इंटरनेट होता है दोस्तों, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। कौन से मॉडल पर वर्क करता है? इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है। यानी कि इंटरनेट में एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो सर्वर की तरह कार्य करता है और इससे हजारों कंप्यूटर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? आपके क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। तो प्रत्येक क्लाइंट कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डाला होता है जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम डला होता है जिसे हम, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डला होता है जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। तो बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं जो इंटरनेट सेवा को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। इसके अलावा दोस्तों, आपने सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर पर स्थित होते हैं और इन्हीं वेब ब्राउजर की सहायता से HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर को। और सर्वर का मतलब होता है सेवा देने वाला, सेवा देने वाला। तो दोस्तों, विश्व में हजारों सर्वर है, हजारों कंप्यूटर है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एक और टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों इंटरनेट से जुड़ी, WWW। WWW का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी शुरुआत जो है 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यह एक विश्व का ऐसा डेटाबेस का सुपरसेट है जिसमें पूरे विश्व के कंप्यूटरों के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ दिया गया है,
ताकि हम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के फाइल को एक्सेस कर सके वाया सर्वर। यानी कि सर्वर जो है वो सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है। यानी सर्वर जो होता है दोस्तों वो मेन कंप्यूटर होता है। जैसे कि चार मित्र हैं और चारों मित्र में एक जो दोस्त है वो बहुत ही पैसे वाला है, बहुत सारी उसके घर में बाइक्स है और वो बहुत पैसे वाला है, तो उसके किसी मित्र को किसी पैसे की जरूरत पड़ेगी या उधारी की, तो वो उससे ले सकते हैं। उसी प्रकार से सर्वर जो होता है वो नेटवर्क में जुड़े हुए हजारों कंप्यूटरों को सेवा देता है और उनकी मदद करता है। सर्वर जो होता है शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, इसके पास एडिशनल स्टोरेज होता है और ये 24 घंटे चालू होता है। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा दोस्तों कि सर्वर कैसे काम करता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सर्वर कैसे काम करता है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। विश्व में बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, परंतु उनको डेटा सप्लाई कौन करता है? सर्वर करता है। तो सर्वर जो होता है दोस्तों, विश्व का जो इंटरनेट नेटवर्क है वो 80% जो इंटरनेट नेटवर्क है दोस्तों, वो हमारे देश का जो है वो समुद्र के अंदर पाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिक्स केबल पर डिपेंड करता है। समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई जाती है और वो जमीन के अंदर भी लगी हुई होती है और वो हमारे टावर तक आती है और फिर वहां से जो इंटरनेट की तरंगे होती है उन्हें एनालॉग तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है, माइक्रोवेव तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है और वो मोबाइल नेटवर्क के रूप में हमारे मोबाइल से जुड़ती है और इस तरह से हम इंटरनेट को चला पाते हैं। और इंटरनेट जो है दोस्तों वो वर्तमान समय में जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर काम करता है। वर्तमान समय में इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर कार्य करता है। पैकेट स्विच नेटवर्क होता है क्योंकि हमारे द्वारा मोबाइल से अगर किसी को संदेश भेजा जाता है तो छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस। तो दोस्तों सर्वर जो होता है वो एक स्थान पर होता है। जैसे कि हम बात करें फेसबुक के सर्वर की, तो फेसबुक का सर्वर अमेरिका या कैलिफोर्निया में है, परंतु हमारे देश में और विश्व में अनेकों स्थान पर फेसबुक चलाई जाती है। तो दोस्तों जो फेसबुक चलाई जाती है, हम लोग फेसबुक का एड्रेस डालते हैं अपने लोकल मोबाइल से और www.facebook.com हमारे मोबाइल से जो है सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट जाती है जो कि हमारे टावर पर जाती है और टावर से होते हुए फाइबर ऑप्टिक्स केबल में जाती है। वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल समुद्र के अंदर से होते हुए वो रिक्वेस्ट अमेरिका जाती है और अमेरिका से वो फेसबुक का पेज हमारे मोबाइल पर डाउनलोड होता है। उसके बाद में हम वहां पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और अपने एप्लीकेशन को चला पाते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये बनती है अब यहां पर कि हमारा जो संदेश वो इतने जल्दी फेसबुक तक कैसे चला गया, सर्वर तक कैसे चला गया? तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है ये प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें जो हमारे द्वारा जो भेजा गया डिजिटल डेटा या से आने वाला प्रकाश कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पर आ सकता है, तो अमेरिका जाना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे सर्वर काम करते हैं। इसके बाद में सर्वर जो होते हैं ये 24 घंटे चालू रहते हैं और हमें 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सर्वर के प्रकार के ऊपर। तो दोस्तों सर्वर जो होता है वो दो